भाई भोपाल में आयोजित बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर उनमें काफी उत्साह दिखा। कार्यकर्ता हाथों में प्रधानमंत्री मोदी का बैनर लिया और नारा लगाते नजर आए। कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। राजधानी भोपाल में महाकुंभ और महाकुंभ में लाखों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको जम्बूरी मैदान के बाहर की, जहां दूर दूर तक कार्यकर्ता दिखते नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधन किया और साफ तौर पर मूल मंत्र दिया कि किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को काम करना है। लाखों की तादाद में जो कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे हैं। दूर दूर तक सड़कों पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जोश उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। नारे जबाव पर है और जोश है कि इस बार फिर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में होगी। कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि क्या उत्साह है मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे हैं, कितने उत्साहित है कार्यकर्ता आप लोग? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी जी को लेकर जनता में काफी उत्साह है। आज ढोल व्यालस का पावन पर्व है और सारे मध्य प्रदेश के गाँव कस्बों में भगवान के विमान निकाले जाते हैं। पहला त्योहार है आज और दूसरा पूरे प्रदेश में फसलों की कटाई का काम चल रहा है। उसके बावजूद जो लाखों लोग यहाँ पहुंचे ये बिल्कुल मोदी जी के लिए पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो योजनाओं का घर घर आज लाभ मिल रहा है। लाडली बहना का हर बहनों को लाभ मिल रहा है और जनता में मोदी जी के प्रति विश्वास है। कार्यकर्ताओं कितना फायदा होगा इससे? क्या लगता है कार्यकर्ताओं कितना? बहुत फायदा होगा शायद आपको। बाप रे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मोदी जी से बहुत खुश है, हमारे देश के लिए इतने खुश है मोदी जी से बता नहीं सकते। कहाँ से आए आप लोग? हम बैतूल से आए। आप लोग? राजगढ़ जिले से। बहुत उत्साह है, महिलाएं भी इस वक्त यहाँ पे पहुंची है भाई संख्या में। कहाँ से आए आप लोग? भोपाल से ही है भैया। भोपाल से। अच्छा मोदी जी आए, क्या लगता है कितना फायदा होगा पार्टी को इससे? बहुत फायदा होगा, कमल का बटन नहीं दबेगा और किसी चीज का नहीं। अच्छा आप लोग कितने उत्साहित है इसके लिए? बहुत उत्साहित है। अच्छा मोदी जी बार बार आ रहे हैं यहाँ पे, मोटिवेट कर रहे हैं कार्यकर्ताओं, कैसे काम करने वाले, क्या मूल मंत्र दे रहे हैं, कितना सुना आपने? बहुत सुना हमने। मोदी मंत्र दे रहे हैं तभी तो कार्यकर्ता काम करेंगे। महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे फिर ही तो काम करेंगे कार्यकर्ता। मोदी को लेकर क्या उत्साह है ये हमने जाना, लेकिन फिर से तस्वीरें मैं जम्बूरी मैदान की दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के हर कोने से कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। 10 लाख का टारगेट बीजेपी ने साधा था और कहीं ना कहीं ये टारगेट लगभग पूरा भी होता जा रहा है। और देख सकते हैं जो भीड़, जो उत्साह यहाँ पे कार्यकर्ताओं में है वो देखते ही बन रहा है। हाथों में झंडे, हाथों में बोर्ड लिए ये कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्हें पूरा यकीन है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राजधानी भोपाल में बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी के भाषण के बाद महिला कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह दिखा। महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री का आभार उनकी तरफ से जताया गया। सशक्तिकरण की भी बात की, कितना नया उत्साह उनके भाषण को सुनने के बाद? देखिए प्रधानमंत्री के आने से महिलाओं में बहुत टाइम से उत्साह था। प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं दी है उससे महिलाएं नहीं पूरी जनता बहुत खुश है और आगे भी अभी भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आए और आगे भी नरेंद्र मोदी जी रहे। बिल्कुल, आपका क्या कहना है क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर भी यहाँ पर पीएम मोदी ने जिक्र किया? बिल्कुल, उन्होंने जो किया, जो करा, वो जो कहा था वो कर दिया। महिलाओं का इतना हमने बहुत कुछ सोचा, महिलाओं को सम्मान दिया है। महिलाओं जो पिछड़ी महिलाएं थी पहले, उन्होंने महिलाओं को आगे लाए और ये बताया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा बराबरी का हिस्सा मिलेगा। बराबरी को उन्होंने, मोदी जी ने ये कहा कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारी योजनाएं लागू की, बेटियों को आगे लाए, पुरुषों से पुरुषों की बराबरी पे खड़ा करा। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज उनका धन्यवाद करने आए हम, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और हमें ऐसा ही देश का मुखिया चाहिए, हमेशा मोदी जैसा ही मुखिया चाहिए, मोदी हमेशा देश के प्रधानमंत्री रहना चाहिए। बिल्कुल, आप कहाँ से आई है और जब आज
बाद मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो कितनी नई ऊर्जा का यहाँ पर जो है चुनाव को लेकर के उत्साह है। यहाँ पर मोदी जी के आने से इतना उत्साह है और अब तो मोदी जी को आना ही है। तो हम लोग का क्या है, अभी जो 33% महिलाओं को मिला है उससे हमारी सारी मातृशक्ति को बहुत शक्ति मिली है और आगे भी मोदी जी महिलाओं के लिए और सारे मतलब हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा किया है। तो मोदी को तो आना ही, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। उनकी मातृशक्ति में महिलाओं में इस बात का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि आज पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जिस तरह से महिलाओं की योजनाओं की और महिला आरक्षण की बिल पर बात की है उसे लेकर महिलाओं में